हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। आज का वीडियो है आपकी हॉटस्पॉट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। हॉटस्पॉट में कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, मेरे पास है वन प्लस नॉट टू टी। ठीक है, तो ओपन करते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना है। तो मेरे फ़ोन का नाम देख सकते हो, वन प्लस नॉट टू टी। चाहते तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, बट मैंने चेंज नहीं कर रखा है। ठीक है, नीचे आपको आना है, कनेक्शन एंड शेयरिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनल हॉटस्पॉट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपना पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद अगर आपको अपना क्यूआर कोड के थ्रू ये अनलॉक विथ योर फेस, ये फेस आईडी से भी अनलॉक कर सकते हो, नहीं तो आप अपने पैटर्न में जो आपने डाल रखा है वहाँ से भी आप अनलॉक कर सकते हो। मैं कर देता हूँ इसे। तो इस क्यूआर कोड से आप किसी को भी स्कैन करके अपना हॉटस्पॉट इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हॉटस्पॉट की सेटिंग ओपन करता हूँ। तो मेरे हॉटस्पॉट का नाम है नोबिता। ठीक है, इसे चेंज करना है, आपने चेंज भी कर सकते हो, बट मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पासवर्ड मैंने ईजी डाल रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, आप चाहते हो कि कोई बार बार कनेक्ट कर लेता है आपका डिवाइस, तो आप अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी में एक पासवर्ड ये नन कर दोगे तो पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर WPA2 करना है पर्सनल, तो आपका पासवर्ड आ जाएगा। 3 पर्सनल में भी पासवर्ड रहेगा, WA3 में भी पासवर्ड रहेगा। ठीक है, मैंने 2 पर्सनल पे ही सेलेक्ट कर रखा है, आपको जो सेलेक्ट करना है आप वो कर सकते हो। ठीक है, AP बैंड गीगा 2.4 करना है। अगर आप चाहते हो सामने वाले को स्पीड कम आए, या फिर आप चाहते हो ज़्यादा है, तो 5 GHz सेलेक्ट कर सकते हो। हाइड दिस हॉटस्पॉट सो कैन बी इजी ओनली बी कनेक्टेड टू मैनुअली। ठीक है, इसे हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हो। यूज़ वाईफाई 6, दिस वाईफाई 6 प्रोटोकॉल प्रोवाइड टू ए फास्टर कनेक्शन। जो नए मोबाइल है उसमें वाईफाई 6 कनेक्टेड हो सकता है आपका। ठीक है, ओल्ड फ़ोनों में ये नहीं सपोर्टेड करेगा, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका कनेक्शन मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको किसी को ब्लॉक करना है, आप ब्लॉक भी कर सकते हो। मैंने 2 डिवाइस ब्लॉक कर रखे हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको इन्हें अनब्लॉक करना है तो आप अनब्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ से सेटिंग में जाके एडिट करके इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो आप। ठीक है, डिवाइस कनेक्शन लिमिट कितनी रखनी है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ मेरे फ़ोन में 1 या 2 डिवाइस ही कनेक्ट हो, तो मैं 2 पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो, आपको डेली का 1.5 GB मिलता है, आप चाहते हो कि मेरा 100 MB यूज़ हो जाए और बाकी बच जाए, या 500 MB यूज़ हो जाए, 1 GB बच जाए, तो ऐसे आप डाटा लिमिट भी कर सकते हो। तो मैंने 500 MB डाटा लिमिट कर दे रखी है। कोई भी मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करेगा अपने वाईफाई के थ्रू, तो मेरा सिर्फ 500 MB खर्च होगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है, इसमें का ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट। अगर 10 मिनट तक मेरे फ़ोन का कोई हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी हॉटस्पॉट के बारे में, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।